अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएस पावर पॉइंट ट्रांसलेशन टैब है। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट की तरफ। दोस्तों आज हम देखेंगे जो इसकी ट्रांसलेशन टैब है वो किस तरह काम करती है और इसके जो ऑप्शन है वो क्या क्या काम करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये मैंने कुछ स्लाइड बना के रखी हैं, 1, 2 और स्लाइड नंबर 3। हमारे पास 3 स्लाइड है तो इनके ऊपर हमने ट्रांसलेशन अप्लाई करनी है। तो आपको बताता हूँ कि ट्रांसलेशन हम लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले हमने एक डिज़ाइन इसके ऊपर अप्लाई किया है, इसको देखने के लिए हम इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। इसके बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जो आपको लगाना है उसके ऊपर सिर्फ आपने क्लिक करना है, करने के बाद आप प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपके स्लाइड के ऊपर वो डिज़ाइन लग चुकेगा। और ये काफ़ी सारे हमारे पास डिज़ाइन पड़े हुए हैं, इसको अब हम इसको चेंज कर देते हैं, कोई और लगा देते हैं, हॉनीकॉम्ब लगा देते हैं। तो अब इसका प्रीव्यू चेक करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम ग्लिटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका प्रीव्यू चेक करें आप। यहाँ पे हमारे पास जो खूबसूरत और बेहतरीन ट्रांसलेशन है वो हमारे पास वर्टेक्स आता है, तो इसका प्रीव्यू चेक कर लें आप ये किस तरह काम करता है। तो दोस्तों ये हमारे पास काफी सारे यहाँ पे ट्रांसलेशन डिज़ाइन है, आप ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। तो शेयर्ड इसका आप लोग ज़रा प्रीव्यू चेक करें। तो दोस्तों अब शेयर्ड के ऊपर आके आप जो अप्लाई करेंगे आप लोग ट्रांसलेशन उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आपने उसको किस है। तो अब मैंने उसको चेंज किया, अब इसका प्रीव्यू चेक करें। तो अब दोस्तों इसका प्रीव्यू चेक करें आप लोग। तो इसका प्रीव्यू चेक करें हम लोग, ये देखें इसको हमने चेंज किया था यहाँ से इफेक्ट ऑप्शन, तो इसको एक बार और चेंज कर देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारे पास साउंड, अगर आप अपनी ट्रांसलेशन को साथ साउंड ऐड करना चाहते हैं तो कुछ साउंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे हैं, लेकिन आप साउंड खुद से भी ऐड कर सकते हैं लूप जॉइंट नेक्स्ट साउंड पे जाके। उसके बाद ये ड्यूरेशन है, हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जो स्लाइड है, ये हमने जो ट्रांसलेशन इसके ऊपर डिज़ाइन दिया है ये कितनी देर चले, इसका कितना टाइम हो। तो यहाँ पर 3 सेकेंड है, हम इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस टाइम को हम ले जाते हैं 10 सेकंड के ऊपर। तो दोस्तों राउंड अबाउट 10 सेकंड के करीब ये मैंने इसको टाइम अप्लाई कर दिया है। अब आप इसका प्रीव्यू चेक करें, अब बिल्कुल स्लोली होगा ये देखें। तो दोस्तों ये पावर पॉइंट के अंदर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये ट्रांजिशन की जो टैब है। आपने अपनी जो स्लाइड बनानी है, जो यूनिवर्सिटी की थीसिस बनानी है वो आप यहाँ पे बना सकते हैं और बिल्कुल आपके सीनियर्स को पसंद भी आएंगे। ऑन क्लिक का मतलब है आप जो नेक्स्ट स्लाइड चलाना चाहते हैं वो ऑन क्लिक रखें, या इसको आप टाइम दे दें कि कितने सेकंड बाद अगली जो स्लाइड है हमारे पास वो प्ले हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी टैब की समझ आई होगी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो, आपके 2 से 3 मिनट लगे हैं और आपको ये इस टैब की मुकम्मल समझ आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एनिमेशन के ऊपर होगी, उसमें हम देखेंगे ये जो एनिमेशन है ये किस तरह अप्लाई। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।